कटहल की सब्जी तो आपने बहुत बना के खाई होगी घर पे, लेकिन क्या आपने कटहल की बिरयानी कभी ट्राई की है? बहुत कम ट्राई की होगी लोगों ने। जो लोग तो वेजिटेरियन है ना, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो सब नॉनवेज बिरयानी को पीछे छोड़ देने वाली कटहल की बिरयानी कैसे बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कटहल की बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले 2 लीटर पानी में 1/2 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाला है। तो यहाँ पे मैंने लिया है कटहल 400 ग्राम। आपको जो भी मार्केट से कटहल मिल रहा है, 2-3 तरीके का मिलता है। मुझे ये वाला मिला है, एक तो रेशे वाला होता है, उसके रेशे होते हैं, अब डिपेंड करता है कट कैसे कर रहे हैं। तो ये मेरे पास फ्रोज़न था, 400 ग्राम मैंने लिया है। तो इसको हम बॉयल करेंगे। बॉयल ज़रूरी करना है आपको ये भी रेसिपी, जैसे मैंने आपको चाँप रेसिपी में भी बताया था, मैंने आपको चाँप बिरयानी भी बनानी सिखाई है। पहले उसको बॉयल करते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं, उसी तरीके से इसको भी हम पहले बॉयल करेंगे। अभी बॉयल इसलिए करना है क्योंकि इसके अंदर ना जो हम टेस्ट डालना चाहते हैं मसालों का, राइस का, वो अच्छे से टेस्ट अंदर नहीं जा पाता है। तो इसलिए इसको बॉयल करके हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। इसको हम बॉयल करेंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। अभी हम राइस भी बॉयल कर लेते हैं। राइस को बॉयल करने के लिए 3 मोटी इलायची, 1 स्टार एनाइस, 3 हरी इलायची और 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा डालेंगे पानी के अंदर। खुले पानी में हमने राइस बॉयल करने हैं, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। यहाँ पे मैंने बासमती के चावल लिए हैं, बिरयानी बनाएंगे तो डेफिनेटली हम बासमती राइस ही यूज़ करेंगे। 1 कप मैंने बासमती राइस लिए हैं। होल मसाले आप ज़रूर डालें, जो मैंने डाले हैं वो टेस्ट का, फ्रेगरेंस देने का, कितनी अच्छी खुशबू आती है चावल में से, वो सबका काम करता है। तो होल मसाले आप किसी भी तरह की बिरयानी चावल बना रहे हैं ना, सब में आप डाल सकते हैं। तो जो कटहल है मेरा अच्छे से बॉयल हो चुका है। ओवर कुक इसको नहीं करेंगे, ओवर कुक करेंगे ना ये फटना स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे रेशे वाला भी रेशे निकलते हैं ना, वो जो कटहल आप ले रहे हैं तो उसको भी आप ओवर कुक नहीं करें, नहीं तो रेशे अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने बहुत कम तेल लिया है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी होता है, हमने अभी बॉयल किया है तो ऑयल जो है ज़्यादातर वेस्ट हो जाता है। तो ट्राई करें कि बहुत कम तेल में इसको हम अलट पलट के फ्राई कर लें, और फ्राई भी इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पे भी ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ब्राउन होने से पहले ही हमने इसको बाहर निकाल लेना है और इसका जो ऑयल है वो अच्छे से स्क्वीज कर लें, जिस भी स्ट्रेनर के साथ आप निकाल रहे हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए अच्छे से जो हमारा कटहल है वो फ्राई हो चुका है, अभी थोड़ा सा हार्ड हो गया है, कोई बात नहीं है, बिरयानी में डालेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं तड़का लगाने के लिए 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, उसमें 1 स्टार एनाइस, 1 काली इलायची, 1 सिनेमन का टुकड़ा, 2 मैंने तेज़पत्ता लिया है और 2 चम्मच भर के जीरा, और यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच बड़ा अदरक और लहसुन का। तो इसको हम फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे 1 स्मॉल चॉप्ड अनियन, बारीक जो अनियन मैंने बारीक बारीक कट किया है, ऐसे कट करके हम इसमें डाल लेंगे। इसको ओवर कुक नहीं करना है, ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्यों नहीं करना है मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे लार्ज मैंने एक टोमेटो ले लिया है, इसको आप रफली भी चॉप कर सकते हैं, ऐसे स्लाइसेस में भी चॉप कर सकते हैं, जैसे आप डालना चाहें। अब यहाँ पे क्या करना है, मसाला इसका कैसे तैयार करना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर ऐसे पका पका के इसको मसाले को हमने तैयार करना है। मसाला देखिए कलर छोड़ रहा है, अच्छे से कुक हो रहा है, तो इसको स्पैचुला की हेल्प के साथ हम प्रेस कर करके इसको मसाले को बनाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, 1 टेबल स्पून इसमें कसूरी मेथी का डालेंगे। जब भी आप कोई भी सब्जी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो ना, तड़का लगाते टाइम उसी में आप कसूरी मेथी डालोगे ना, तो उसकी जो खुशबू है, उसका टेस्ट है, बहुत अच्छा आता है। तो मसाले को हमने स्पैचुला के साथ, कोई भी लैडल है, करछी है, जिसके साथ भी आप मसाला पका रहे हैं, उसको प्रेस कर करके ऐसे हम मैश करेंगे। और ये वाला जो प्रोसेस है मीडियम फ्लेम पर करना है, हाई पर नहीं करें, नहीं तो जो प्याज है ना वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। मसाला जो हमारा है अच्छे से भून जाए, पक जाए, तो इसमें हम फ्राई किया हुआ कटहल डाल देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, लेकिन बीच बीच में चेक करते रहिए। तो चलिए अभी मैं आपको बता दूं कि तड़का लगाते टाइम प्याज क्यों नहीं ब्राउन करना है, क्योंकि एंड पे हम फ्राइड प्याज डालने वाले हैं। अगर फ्राइड प्याज हम ज़्यादा डाल देंगे, ब्राउन कर देंगे, तो बिरयानी कड़वी हो जाएगी, इसलिए तड़का लगाते टाइम प्याज को हमने थोड़ा कच्चा रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो कटहल है हमारा बीच बीच में ब्राउन हो गया, अच्छे से पक गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
इसको इतना हमने कुक इसलिए किया कि कटहल के अंदर जब हमने बॉईल किया, फ्राई किया, तो तड़के का जो सारा टेस्ट है ना कटहल के अंदर तक जाएगा बहुत अच्छे से, बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने डाले हैं सॉल्ट, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और 2 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है बिरयानी का मसाला। जो भी ब्रांड आपके पास है, जो भी मसाला आप यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एवरेस्ट या MDH का मसाला यूज़ करती हूँ। उसमें क्या होता है, छोटा छोटा होल मसाला भी उन्होंने डाला होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो राइस मेरे बॉयल हो गए थे, मैंने स्ट्रेन कर लिए थे, पानी अच्छे से निकल गया था राइस में से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जो होल मसाले थे ना राइस में वो हम निकाल देंगे, क्योंकि होल मसाले जब बिरयानी खाते टाइम मुंह में आएंगे ना तो बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आती है। अब राइस को हम मसाले के ऊपर, कटहल मसाले के ऊपर स्प्रेड करेंगे। आप चाहे तो लेयर्स बना के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो मैं स्प्रेड करके थोड़ा सा उसको अंदर से फरोल दूंगी। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून केसर वाला दूध लिया है, उसने 10-12 मैंने केसर के स्ट्रैंड डाले थे और उसको 15 मिनट के लिए रख दिया, और यहाँ पे मैं उसको दूध को अंदर डाल रही हूँ अच्छी फ्रेग्रेंस और टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं इस पर स्प्रेड कर रही हूँ फ्राइड अनियन, तो एक छोटा अनियन जो है उसके फ्राइड जो लच्छे हैं मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, ये ज़रूर डालें बिरयानी में, आप कोई भी बिरयानी बना रहे हैं ये मस्ट है, ज़रूर डालें। जब आप तड़का लगाते हैं ना उससे पहले ही आप इसको फ्राई कर सकते हैं कढ़ाई में, जिसमें भी आप तड़का लगा रहे हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फ्राइड अनियन बनाते कैसे हैं। फ्राइड अनियन बनाने का भी प्रोसेस होता है, आप इसको किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं, बिरयानी में डाल सकते हैं, कड़ी में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्राइड अनियन का जो लिंक है, अगर आप मेरी रेसिपी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, चैनल की डिस्क्रिप्शन में आप जाएं आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाएं, वहां पे मैंने ये वीडियो डाली हुई है फ्राइड अनियन कैसे बनाते हैं, एकदम क्रिस्पी आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो यहाँ पे 15 मिनट के दम के बाद इतनी अच्छी खुशबूदार बिरयानी रेडी हो गई है, उसके ऊपर ढेर सारा धनिया डालिए, क्योंकि मुझे धनिया बहुत पसंद है सब्जी में, राइस में डालना, किसी भी चीज में ना मैं धनिया भर के डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए सच में बेस्ट ऑप्शन है, जरूर घर पे बना के ट्राई कीजिए, क्योंकि कटहल जो है वो तो इजीली मिल जाता है मार्केट में। अभी बनाना कैसे है तो आपको सारा प्रोसेस पता चल गया है, तो ये लीजिए, आप सर्व कर सकते हैं अपनी बिरयानी दही बूंदी और सैलड के साथ, घर पे जरूर बनाइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।